नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमृतकाल में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार बनेगी। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों की कोविड के लिए आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य होगी। सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का प्रतीक चिन्ह तैयार करने में सहभागिता के लिए लोगों को आमंत्रित किया। कश्मीर घाटी सहित समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में, पीवी सिंधु फोर्ब्स की वार्षिक सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली 25 शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल। और क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश ने दूसरी पारी में चाय के समय तक 7 विकेट पर 195 रन बनाए। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की नींव बनेगी। उन्होंने आज गुजरात में राजकोट में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भविष्योन्मुखी शिक्षा नीति कल के आदर्श नागरिक तैयार करेगी। 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्था को तैयार कर रहा है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल के योगदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुकुल भारतीय पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा का संगम रहे हैं। इन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि जब दुनिया में स्त्री पुरुष समानता के बारे में चर्चा भी नहीं होती थी, तब भारत में गार्गी, मैत्रेयी और अत्रेयी जैसी महिला विचारक थीं। जिस कालखंड में विश्व में जेंडर इक्वलिटी जैसे शब्दों का जन्म भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियां शास्त्रार्थ करती थी। मुझे खुशी है कि स्वामीनारायण गुरुकुल इस पुरातन परंपरा को, आधुनिक भारत को आगे बढ़ाने के लिए कन्या गुरुकुल की शुरुआत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वे पूर्वोत्तर की संस्कृति को समझने और उनकी विरासत के बारे में लिखने के लिए कम से कम 15 दिन के लिए पूर्वोत्तर की यात्रा करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड को लेकर सतर्क है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को आरटीपीसीआर कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं, ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सके। इस बीच भारत आने वाले 2% यात्रियों की आज से हवाई अड्डों पर औचक जांच की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नागर विमानन सचिव राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा है कि एयरलाइन प्रत्येक उड़ान में अलग अलग देशों से आए ऐसे यात्रियों की पहचान करेगी। ऐसे यात्रियों को नमूना देने के बाद ही हवाई अड्डे से जाने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड के प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए अपने पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार ने लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का प्रतीक चिन्ह तैयार करने में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया है। सरकार एक ऐसा प्रतीक चिन्ह तैयार करना चाहती है जिसमें भारत की सशक्त और सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाया गया हो। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार विजेता को 1,00,000 रूपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 5 करोड़ से अधिक नागरिकों के स्वास्थ्य कार्ड को डिजिटाइज किया गया है। इन्हें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि सरकार एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए मजबूत और समावेशी डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि देश ने 5 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़कर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उपभोक्ता को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। 6 महीने की अल्पावधि में ही उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों का निपटान दोगुना होकर लगभग 90,000 हो गया है। श्री गोयल ने दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह में कहा कि व्यापार और जीवन को सुगम बनाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में 1,500 से अधिक कानूनों को समाप्त किया गया है और लगभग 39,000 कानूनों और नियमों को सरल किया गया और कुछ को हटा दिया गया है। श्री गोयल ने बताया कि कानून के 800 से अधिक विशिष्ट प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पूर्वी चंपारण जिले में एक ईंट भट्टे में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पूर्वी चंपारण जिले के नीलगिरी गांव के एक ईंट भट्टे की चिमनी में कल हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें बचाव अभियान के लिए मौके पर पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 96वीं और इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री ने पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित एक बुकलेट साझा की है। इसमें भारत के G20 की अध्यक्षता, अंतरिक्ष में निरंतर प्रगति और वाद्य यंत्रों के निर्यात में वृद्धि जैसे विषय शामिल हैं। देश के उत्तरी भागों में पिछले कुछ दिनों से शीतलहर जारी है। कई उत्तरी राज्यों में कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता कम हुई है। दिल्ली में कल इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह थी। तापमान गिरकर 5.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। आज भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुबह ठंड थी। नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के अनुसार तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहने और हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। तापमान 5 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और बिहार में कोहरा कम होने का अनुमान है। देश के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान के 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की
संभावना है। पंजाब के कई हिस्सों और हरियाणा के कुछ भागों में दिन में ठंड या बहुत अधिक ठंड रहने का अनुमान है। उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अगले दो दिन तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खासकर रात के समय में पारा लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग की स्थानीय इकाई के अनुसार श्रीनगर में आज तापमान शून्य से नीचे 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पहलगाम में तापमान शून्य से नीचे 6.4 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बर्फीले तूफान से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। बर्फीले तूफान से लगभग 20 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। कल से हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ढाका में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक दूसरी पारी में 7 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही अब तक बांग्लादेश की बढ़त 127 रन की हो गई है। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु विश्व में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली महिला खिलाड़ियों की फोर्ब्स की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु सूची में 12वें स्थान पर हैं। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका इस सूची में शीर्ष पर हैं। सिंधु ने इस वर्ष की शुरुआत में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में सिंगल्स में स्वर्ण और डबल्स में रजत पदक जीतकर 70 लाख अमरीकी डॉलर की कमाई की। सूची में टेनिस खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार है। उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी गेटो सुवरा ने मलेशिया के कुआलालंपुर में 9 वर्ष से कम आयु वर्ग की श्रेणी में टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतकर एक बार फिर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने मलेशिया के दूसरी वरीयता प्राप्त जेरल तेह को लगातार सेटों में 21-5, 21-16 से हराकर खिताब जीत लिया। अरुणाचल प्रदेश के सोरा ने 2 महीने में यह दूसरा खिताब जीता है। नवंबर में 7 वर्षीय सोरा ने थाईलैंड के बैंकॉक में बीटीवाई योनेक्स सिंघा चैंपियनशिप जीती थी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर कर्नाटक के उडुपी में आज राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें विभिन्न राज्यों की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विजेता टीम को अटल ट्रॉफी और 1,00,000 रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी। भुवनेश्वर में अगले महीने 13 से 19 तारीख तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। हरमनप्रीत सिंह टीम का नेतृत्व करेंगे और अमित रोहिदास उप कप्तान होंगे। टूर्नामेंट में भारत का पहला मैच 13 तारीख को स्पेन से होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी रिचर्ड वर्मा को विदेश विभाग में शीर्ष राजनयिक पद के लिए नामित किया है। श्री बाइडेन ने उन्हें अमरीकी सीनेट विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों का विदेश उपमंत्री नियुक्त किया है। श्री रिचर्ड वर्मा राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में भारत में अमरीका के राजदूत और विधायी मामलों के सहायक मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने विश्वविद्यालय की छात्राओं की पढ़ाई पर रोक लगा दी है। इसके विरोध में काबुल में बड़ी संख्या में बुर्का पहने छात्राएं विश्वविद्यालय परिसर के बाहर एकत्र हुई। सत्ता में वापसी के बाद तालिबान ने लचीला रुख अपनाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही कड़े इस्लामी कानून फिर से लागू कर दिए। हाल के महीनों में अफगानिस्तान में महिलाओं पर प्रतिबंध बहुत बढ़ गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अमृतकाल में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार बनेगी। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों की कोविड के लिए आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य होगी। सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का प्रतीक चिन्ह तैयार करने में सहभागिता के लिए लोगों को आमंत्रित किया है। कश्मीर घाटी सहित समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। पीवी सिंधु फोर्ब्स की वार्षिक सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली 25 शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।